मेरी जो बीवी की फैमिली है वो भारत से थे, उनका ताल्लुक मेरी जो मदर इन लॉ थी वो दिल्ली से थी, और आप यकीन करें कि वो सारा वक्त जो है ना वो मेरी दिल्ली कहती कहती बेचारी की डेथ हो गई। सो ये 2000 या 2001 में, मगर वो जो बिल्कुल सही कहा, वो जो एक इमोशनल आपकी अटैचमेंट है ना, जैसे इनकी पाकिस्तान की है मेरी इंडिया के साथ है, तो वो एक अलग किस्म की फीलिंग होती है जी। क्योंकि मुझे कोई कह दे जी आपने कल उठ के और अपना घर छोड़ के चले जाना है और फिर पता नहीं है कि वापस आना, क्योंकि उनको यही मुझे वो बताती थी कि हमें तो कहा था कि घर खुला है तो आपने वापस जाना है। सो ये फिर अपने दो बहनें एक भाई जो है ये फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, बट बहुत याद करती थी दिल्ली को। बिल्कुल। तो चलिए इंडिया पाकिस्तान के बारे में जो हम बात कर रहे हैं गौतम भाई, रमीज भाई, इतनी बातें हो रही हैं कि कितना प्यार है दोनों देशों में, जो दोनों देशों के फैंस हैं। गौतम भाई एक गंभीर बात करूंगा अब, क्योंकि आप बात को घुमाते फिराते नहीं हो, जब इतना प्यार है तो इंडिया पाकिस्तान की बायलेटरल सीरीज पर आपका क्या कहना है, क्या होनी चाहिए बायलेटरल सीरीज? देखिए गवर्नमेंट का बहुत क्लियर स्टैंड है कि बायलेटरल सीरीज नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए, और यही स्टैंड जब गवर्नमेंट का है तो हम सबका ये स्टैंड है। लेकिन जब हम इसको रिलेट करते हैं आईसीसी टूर्नामेंट से, तो आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि आईसीसी या फिर एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो ये एशिया कप है या फिर वर्ल्ड कप्स हैं या चैम्पियन ट्रॉफी है, चैम्पियंस ट्रॉफी, ये आईसीसी डिक्टेट करती है, तो इस पर आप ना नहीं कर सकते। तो बहुत क्लियर स्टैंड है इसमें गवर्नमेंट का जी, जी। तो गवर्नमेंट का यहाँ आपका क्या कहना है कि क्या आपको क्या लगता है, आप तो पीसीबी के हेड रहे हैं, कई बार आपने इस पर काफ़ी तीखी बातें भी करी हैं बीसीसीआई को, प्यार तो आपका अलग है बीसीसीआई से, थोड़ा सा तो बताइए उस बारे में। देखिए जब आप मुल्क के लिए किसी भी रोल में होते हैं तो आपको इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, और पाकिस्तान के पास वैसे ही जो जगह है वो कम से कम हो रही है। तो एक ही मैं बात बाबर आजम से करता था कि सिर्फ पाकिस्तान से क्रिकेट सारी अच्छी कंट्रीज तभी खेलेंगी जब आप जीतेंगे, जब आप अच्छी हेडलाइंस लगाएंगे। गौतम की ऑब्वियसली इसके ऊपर एक टेक है और बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मगर मैं समझता हूं कि जो क्रिकेटर्स हैं वो एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं टू चेंज द माइंडसेट कह लें, या एक जो स्टांस है उसको थोड़ा सा मेल्ट डाउन करने के लिए। बट अगर गवर्नमेंट का स्टैंड है तो क्रिकेटर्स को क्यों बलि का बकरा बनाना है इस चीज में? नहीं, गवर्नमेंट का स्टैंड है तो है, इसमें मैं ये नहीं कहता, मगर मैं आपको ये मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। मैंने डिसीजन लेना था कि हमने भारत जाना है या नहीं जाना, वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसका डिसीजन नहीं था जी। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरा जहन हमेशा यही कहता है कि जब हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं और इस माहौल में हम बैठे हुए हैं, सो हमें क्रिकेट भी खेलनी चाहिए, और उससे अगर क्योंकि आप डार्क एजेस में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, देखें हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए जो है किसी को एक पाँव निकालना है, किसी को आधा पाँव निकालना है, और हैंडशेक करना है। सो उससे बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ क्रिकेट एक ग्रेट मीडियम है लोगों को पास लाने के लिए, और आई थिंक अभी तक उसका प्रॉपर तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो इसके ऊपर बहस हो सकती है, इसके ऊपर स्टांस हो सकता है, कोई ब्लैंकेट ये डिसीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक का अपना व्यू है, ये मैं मानता हूँ बिल्कुल, मगर मेरा व्यू उसमें ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्रिकेट एक ग्रेट मीडियम है इसको सपोर्ट करने के लिए। इतने बड़े प्लेयर्स हैं और वो अपने आज राइवल्स के साथ एक पूरा फॉर्मेट नहीं खेले और उनका करियर निकल गया। Z News।